सब लोग आशा की आप सब अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ सुबह 8 बजे से अम्मा के साथ। अम्मा हेलो कर दे, हेलो अम्मा, हेलो बोल रही है सब। अम्मा के हेलो का जवाब देना। अम्मा और मैं बैठे थे क्योंकि बच्चे चले गए स्कूल और मम्मी पापा चले गए नीचे, छोटा सा होटल है तो वहाँ चले गए। अम्मा और मैं बच्चे थे, हमने रील बनाई, थोड़ा टाइम पास किया, फोटो वोटो खींची, अब हम बैठ के ब्लॉग बना रहे हैं। अब मुझे ब्लॉग बनाना अम्मा यही है तो मैं ब्लॉग बना, हाँ तो मैंने सोचा मैं आज ब्लॉग बना लेती हूँ। मैं ब्लॉग बना रही थी, मम्मी को जलन हो रही थी कि तू कल ब्लॉग बना रही है, काम नहीं कर रही है। मम्मी ने मुझे काम करने के लिए दिया था झाड़ू वाड़ू, मैंने अभी वो लगाया नहीं है। और ये मम्मी भी आ गई, परसों मम्मी को अच्छे से नहीं मिलाया था मैंने, उस वक्त तो इतनी छोटी होगी मेरे से। हेलो कर दे फिर, हेलो। हाँ परसों मम्मी बेचारी वो दही गिर गई थी, वही साफ करने में लगी थी तो मैंने अचानक से हटा दिया था, तो आज देख लो इसको ऊपर से नीचे। तो ये आज देखना है, ये है क्या करने आए तो ऊपर अम्मा को नाश्ता देने। वो तो मैं भी दे ही सकती थी, मैं खा रही हूँ ना कि मेरे पास। अच्छा। मैं खाली सास को खाना देने के बहाने अपना खाने के लिए आई, देखो ऐसी बहू है ये। शुभ काम की शुरुआत अपने घोल से करती हूँ। ये मुझे कुछ अखरोट मिले हैं जो मैं थोड़ी देर में फोड़ के खाऊंगी। मेरा सारा काम हो गया है, अब है बारी अखरोट फोड़ने की। पहले मैं अखरोट खाऊंगी फिर देखती हूँ नाश्ता करूँगी। वैसे मुझे अभी भूख लगी नहीं है और मैं आपको अखरोट फोड़ने का एक नया तरीका बताऊँगी। पहले से अखरोट फोड़ते करके हमने सारे खिड़की दरवाजे जो पल्ले होते हैं सट के सारे तोड़ दिए थे। आज भी हर जगह टाइल है, मैं उधर इधर तो नहीं जा सकती इतने दूर पत्थर ढूंढने के लिए, इसलिए मैं आज फिर वही वाला आजमाऊँगी। तो एक एक करके फोड़ते हैं। सबसे पहले अखरोट को डाला यहाँ, दरवाजा कर दिया बंद। ओए फोड़ गया अखरोट। आओ गाइस अखरोट खाने, पता नहीं कब के हैं, दीपा दीने दिए हैं मुझे ये अखरोट इतने अच्छे क्यों होते हैं। ये मेरे निकल गए सारे अखरोट, व्यू और मैं और अखरोट। ले नैना से मिलाते हैं हम आपको। ओह क्यों रो रही है, मैं नहीं ले जा रही हूँ तुझे। ये है नैना की मम्मी, नैना की मम्मी इधर देखो। अरे क्या बोल, नहीं तेरी मम्मी से भी नहीं बोलूं, अब नहीं बोलूं तेरी मम्मी से भी, आजा। नैना पता नहीं क्यों डर रही है मुझसे। अब मैं जाती हूँ थोड़ा मम्मी पापा से मिलाने, आपको पापा से नहीं मिले हो शायद, आप पापा से मिलाऊंगी, दोनों नीचे ही हैं अभी। फिर मैं ऊपर आऊंगी नाश्ता करूंगी, फिर उसके बाद टाइम नहीं है मुझे, इससे अच्छा मैं अभी मिला के आ जाती हूँ। ओ पापा गेम खेल रहे हो कहीं नहीं, यही आपको मिलाने आई थी मैं। पापा को आई फ्लू हुआ है तो पापा ने काले चश्मे पहन के, आपके बाल में मेहंदी लगानी थी, धूप आएगी तब। मम्मी कहाँ है, ये यहाँ आके भी खोने लगी, क्या हो गया होगा इसको, क्या देख रही है ये। कुछ भी देखते रहती है, मतलब मैं फालतू का। ये हमारे मोहन अंकल, ये हमारे बॉडी बिल्डर कम दुकानदार बेचारे। और यहाँ आज अंकल को भी आई फ्लो हो गया बेचारे, कल बैठे थे। ये हमारे उमेद भैया, हेलो कर दो, ये शर्मा क्यों रहे हो, ये शर्मा रहे हैं थोड़ा, मुझे दो पहले नीचे आ, यहाँ नीचे आ, यहाँ पे आ। क्या करूँ,
अब तो पा कर दे फिर, अब तो पा कर दे, कर दे पा, कर दे। ओहो, मतलब तेरे लिए कुछ लाना पड़ता है। ये हमारी अम्मा है, पखाना ये परवादी तारा दी देखेंगे भी, परवादी देखती है अपन जो जंगल देना ना पसों नंबे, वो घास काट के आ रही है ये देखो, वरना बस हीरोइन बन के रहती है वो। हजार अच्छे तम जाड़ में ली पुरवा जान। अच्छा अब हेलो तो कहो बे, कहियो हेलो, यहाँ को ये हेलो हाय। अम्मा का स्टाइल देखा हेलो हाय बोलने का। शाम के 3 बज गए हैं और मैं ना सो पाई ना कुछ कर पाई, और मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको क्या, ये देखो मेरा जुगाड़, पढ़ाने का जुगाड़। यहाँ पर मैं बैठती हूँ, इसको मैंने टेबल बनाया अपने बैग को, और मैं यहाँ से ऐसे पढ़ाती हूँ। और मैं कुत्ते को दिखाती हूँ, मेरा कुत्ता कितने आराम से सोया है। इन दोनों के ही हो रहे हैं मजे, बस खा रहे हैं पी रहे हैं हड़ी जा रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं हड़ी जा रहे हैं। कल का ब्लॉग मेरा पूरा नहीं हुआ तो मैं आज फिर से वही ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कल बारिश हो गई थी और बारिश में आपको पता है ना कहीं इंसान जा सकता है ना कुछ कर सकता है, और मैं भी बिजी हो गई थी। अभी सुबह सुबह के 9 बज रहे हैं, नाश्ता पानी हम सबका हो गया है, और यहाँ लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। इसमें दिख नहीं रही है बट बहुत रिमझिम वाली बारिश हो रही है जो लगातार ही है। ये अम्मा भी यहाँ पे बैठी, क्या करेंगी अम्मा भी बेचारी। आजकल तो तब थोड़ा मैं बोलती हूँ, वरना और दिन तो सब स्कूल चले जाते हैं, मम्मी नीचे चले जाती है, अम्मा यहाँ के लिए रह जाती है। अम्मा बोर ना होना, तेम बोर ना होना, अब कुछ कर भी नहीं सकते, क्या करें, स्कूल जाना है। आप तो अम्मा यहीं पे बैठ के नीचे क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, सब देखते रहती हैं। और भावना ने हल्द्वानी से कुछ भेजा है प्रकाश के लिए, क्योंकि वो रक्षाबंधन में नहीं आ पाएगी, इसलिए चलो देखते हैं क्या क्या भेजा है। भावना भेजा सबसे पहले तो उसे प्रकाश के लिए निक्कर भेजा है, मिष्टी का है, मिष्टी के लिए भेजा है। क्यों? अच्छा, अरे मैं गलत फहमी होगी, मेरे को लगा उसने रक्षाबंधन का गिफ्ट भेजा है प्रकाश के लिए, पर ये भेजा है मिष्टी के लिए भेजा है उसने ये। बाकी इसमें राखियाँ हैं, राखियाँ भेजी हैं उसने, ये राखियाँ भेजी है उसने, ये दो जोकर वाली राखियाँ भेजी हैं, ये यूनिकॉर्न वाली, ये अच्छा यूनिकॉर्न वाली, ये प्रकाश के लिए भेजी हैं राखियाँ, और ये पूरा भेजा है। 5 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। 5 बज गए और अभी अभी यहाँ पे बारिश रुकी है, तो हम सब बाहर देख रहे थे, और यहाँ वहाँ ना कहीं 50 शॉट्स फूट रहे थे, क्योंकि चंद्रयान 3 लैंड हो गया है उसकी खुशी में, तो हम वही देखने आए थे, पर 50 शॉट्स थे। हमारे सुनने तक 10 हो गए थे, नीचे आने तक 10 हो गए थे, 50 तो मुझे नहीं लगता है, नहीं थे 15 या 20 होगा। और एक और चीज़ दिखाती हूँ ना, हमारे मच्छर मारे हैं यहाँ पे बैठते बैठते, ये देखो आराम इतने मच्छरों की बलि दे दी हमने आज यहाँ पे बैठे बैठे। क्या कहना चाहेंगे आपने, इतने मच्छरों की बलि दे दी अम्मा यदि मच्छर मार गए ना तुमने, अम्मा को मच्छर काट रहे थे, अम्मा ने सब मच्छर एक एक करके मार दिए, वो वाली कहावत अम्मा ने सही कर दी। बैठे बैठे क्या कर रहे थे, अम्मा बोलेगी मच्छर मार रही थी। 15 मच्छरों की बलि दी है, अब हम इनकी अंतिम यात्रा के लिए तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अब तो मैं डालूंगी।